वेलकम टू मॉडर्न किचन। मैं हूँ आस्था। नवरात्रि में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, तो क्यों ना हम कुछ हेल्दी सा, चटपटा और एनर्जी से भरा हुआ बनाते हैं। तो चलिए आज हम बना रहे हैं पोटैटो पैनकेक्स बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए फिर रेसिपी देख लेते हैं। पोटैटो पैनकेक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे पोटैटो। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 मीडियम साइज के पोटैटो। पील कर लेंगे इनको हम। तो पील करने के बाद अब हम एक बार इनको वॉश कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़े से बाउल में पानी, और इस पानी में हम इन पोटैटो को ग्रेट करेंगे। आप चाहे तो बड़े ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, बट जितना आप इसको फाइन ग्रेट करेंगे आपके जो पैनकेक्स हैं उतने ही अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से हम सारे पोटैटो को ग्रेट कर लेंगे पहले। तो ग्रेट करने के बाद हम इन आलू को इसी पानी में 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं स्टार्च की वजह से आलू का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसे पानी से स्ट्रेन कर लेंगे, और स्ट्रेन करने के बाद हम 4 से 5 बार अच्छे से वॉश करेंगे जब तक इसका सारा स्टार्च रिमूव नहीं हो जाता। तो ये मैंने यहाँ पे पोटैटोज को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इनके अंदर जो भी पानी है वो हम इस तरह से दबाते हुए निकाल देंगे। तो इस तरह से कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसका रिमूव कर दें, क्योंकि जब हम इसमें नमक ऐड करेंगे तो ये और भी वॉटरी हो जाएगा। तो इस तरह से सारा पानी अलग कर दें। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कुट्टू का आटा। आप चाहें तो सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं। अब डालेंगे 1.5 टेबलस्पून चावल का आटा। ये व्रत वाले चावल हैं जिनको समा के चावल भी बोलते हैं। मिक्स कर देंगे अब हम। अब यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक। अब डालेंगे धनिया के कुछ पत्ते। मिक्स कर देंगे अब हम। अब मैंने लिया है कटी हुई हरी मिर्च और कुछ पुदीना के पत्ते। डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, और यहाँ पे मैंने लिया है सेंधा नमक। इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हाथ से आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और यहाँ पे कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, ये ऑप्शनल है। पुदीना के पत्ते और अदरक भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो वो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए अब ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा वाटरी होने लग गया है। तो अब हम गैस को ऑन करेंगे और एक पैन रखेंगे। तो अब ग्रीस करेंगे इस पैन को। आप चाहे तो ऑयल से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे घी से कर रही हूँ, पोंछते हैं जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है। अब यहाँ पे हम मिक्सचर डालेंगे और इस तरह से दबा के फैलाते हुए इसे गोल शेप देंगे। तो 1 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, और मैंने यहाँ ऊपर भी थोड़ा सा घी लगाया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। पलट दें इसको अब। इन पैनकेक्स को लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 2.5 मिनट तक सेक लें, और पलट के दूसरी तरफ से भी 2 से 2.5 मिनट तक सेक लें। अब सेम प्रोसेस के साथ सारे पैनकेक्स तैयार कर लेंगे। अगर पॉसिबल हो तो इन पैनकेक्स को आप हॉट सर्व करिए। अगर आप हॉट सर्व नहीं कर पा रहे हैं तो एक बड़ी सी प्लेट या ट्रे में इनको फैलाते जाएं। तो अब सारे पैनकेक्स मैंने रेडी कर लिए हैं, और इनको मैंने इस तरह से एक प्लेट में फैला दिया था। तो अब इनको एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसे दही या अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मॉडर्न किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें।